भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने न केवल वनडे में बल्कि तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड को धूल चटा दी है। इंग्लैंड ने इस बड़ी हार के बाद काफी कुछ बातें कही है जो हर किसी को हैरान कर रही है। जी हां, इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड ने भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, और न केवल इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड बल्कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने भी भारत के हार के बाद बहुत कुछ कहा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हार के बाद इंग्लैंड के रिएक्शंस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। अब ये जानने से पहले कि इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड और कप्तान जॉस बटलर ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले जानते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारत की जीत से क्या हलचल मची है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इज़माम उलक ने जमकर तारीफ करी है ऋषभ पंत की। इज़माम उलक ने कहा, कई सालों बाद वह क्या शानदार खिलाड़ी आए हैं, मैं उन्हें भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से देख रहा हूँ, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दबाव में खेल रही है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी जब सभी सीनियर खिलाड़ी चोट के चलते बाहर थे, मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को काफी मजबूती दी। पहले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों को खेलने में मुश्किल होती थी, उन्होंने आगे कहा, लेकिन पंत बिना डरे खेलते हैं। 70 के दशक में विव रिचर्डसन वेस्ट इंडीज और बाकी टीमों के बीच अंतर पैदा करते थे, उसी तरह भारत और इंग्लैंड के बीच अंतर साबित हुए है ऋषभ पंत। हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने कहा, दोनों ही टीमों ने अच्छा खेल दिखाया, भारतीय टीम ने हमसे बेहतर खेल दिखाया और मैं उन्हें सीरीज पर बधाई देता हूं। ये वो परिस्थितियां हैं जिनका हम निकट भविष्य में और विश्व कप में सामना करेंगे। युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद ही शानदार अनुभव रहा, वो भी भारत जैसी सर्वोच्च टीम के सामने। हमने इस मैच में सही से गेंदबाजी नहीं की, आसानी से बाउंड्रीज जाने दी, लेकिन हम उन्हें रोक पाने में कामयाब रहे। बटलर ने आगे कहा, हम बल्लेबाजी के दौरान बड़ी साझेदारियां नहीं बना पाए, इस कारण ही हम मैच नहीं जीत पाए। हम पिछले कई साल से अच्छी क्रिकेट खेल रही है, सीमित ओवरों के खेल में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई है, हमें भी टीम में बने रहने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारे बल्लेबाजी में गहराई थी और ये हमारे टीम की मजबूती है। बटलर ने सैम करन की तारीफ करते हुए कहा, सैम करन ने अपने ऊपरी जिम्मेदारी ली और शानदार शॉट्स लगाए, अपना चरित्र दिखाया, उसके अंदर वो बहुत ही अच्छी खूबियां है। मुझे पता है कि वो निराश है, वो टीम को मैच नहीं जिता पाया, लेकिन हमें उसके प्रदर्शन पर गर्व है। इंग्लैंड को भले ही भारत के खिलाफ तीनों प्रारूपों में श्रृंखलाओं में हार झेलनी पड़ी है, लेकिन उनके मुख्य कोच सिल्वरवुड का मानना है कि उनकी टीम ने इस दौरे से बहुमूल्य सबक सीखे है जो इस साल के आखिर में होने वाले T20 विश्व कप में काम आएंगे। सिल्वरवुड ने टीम के स्वदेश रवाना होने से पहले ब्रिटिश मीडिया के साथ बातचीत में कहा, इंग्लैंड की टीम जब अक्टूबर नवंबर में T20 विश्व कप के लिए भारत दौरे पर आएगी तो वह अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा, इस दौरे में अच्छा प्रतिस्पर्धा खेल और अच्छी प्रतिस्पर्धा श्रृंखलाएं खेली गई, मुझे अपनी टीम पर गर्व है, मुझे इस दौरे पर आने वाले प्रत्येक खिलाड़ी पर गर्व है। सिल्वरवुड ने कहा, खेल के प्रति उनके प्रयास और रवैये पर मुझे गर्व है, मुझे लगता है कि हमने इस दृष्टिकोण से काफी कुछ सीखा है, मैं इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हमने T20 विश्व कप के लिए बहुमूल्य अनुभव हासिल किया है, अगर हम टेस्ट श्रृंखला पर गौर करें तो उन्होंने काफी सबक सीखे, जब वे फिर यहाँ आएंगे तो उन्हें पता रहेगा कि क्या करना है और खेल के लिए क्या बेहतर रणनीति रहेगी। उन्होंने कहा, यह अनुभव उन्हें लगातार आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा, जब वे इंग्लैंड भारत के खिलाफ खेलेंगे तो इससे उन्हें बदला चुकता करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ, बदला लेने की बात कर रही है सिल्वरवुड। अब हम जानते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही समय में भारत इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। खैर, सिल्वरवुड ने आगे कहा, श्रृंखला में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम इंग्लैंड में होने वाली श्रृंखला के लिए तैयार है। हमें पता है कि बेहद प्रतिस्पर्धा होगी क्योंकि दोनों ही बेहतरीन टीम एक दूसरे से भिड़ेंगी।